आखिर बरमुडा ट्रायंगल है क्या? क्या यहाँ की अजीबोगरीब घटनाएं किसी एलियन की वजह से होती है या फिर किसी देवी देवताओं की वजह से? तो फ्रेंड्स, मैं विशाल आज आपको बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो टाइटल के साथ, द मिस्ट्री ऑफ द बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल, यहाँ शिप्स और प्लेन चली तो जाती है, फिर आगे इनके साथ क्या होता है यह शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। यहाँ कुछ ऐसे असामान्य घटनाएं घटित होती है जिससे जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। ऊपर उड़ती विमानों को सागर अपनी ओर खींच लेता है जिससे कि वो पानी में समा जाते हैं और बड़ी ही विचित्र तरीके से गायब हुए हो जाते हैं। अगर विमानों का ये हाल होता होगा तो जरा सोचिए कि उन जहाज़ों का क्या होता होगा जो कि पानी में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बरमुडा ट्रायंगल में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होती है। इस बात को पहली बार सन 1492 में कोलंबस ने नोट किया था, जो कि उस समय समुद्र से पार हो रहे थे। उन्होंने गौर किया कि उस समय उनके सामने आसमान में कुछ अजीबोगरीब रोशनी उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने इस बात को अपनी डायरी में भी लिखा और बाद में धीरे धीरे उसे इग्नोर कर दिया गया। फिर पहली बार प्लेन गायब होने की रिपोर्ट 1945 में आई, बट फ्रेंड्स हो सकता है कि 1492 से 1445 के बीच कई अन्य प्लेन भी गायब हुई होंगी, पर बेहतर कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से उसकी खबर ज़्यादा नहीं फैली और इसका रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी दो घटनाओं का विश्लेषण करूँगा। तो पहली घटना है ऑफिसर थॉमस की, जो कि अपने 10 क्रू मेंबर के साथ एक हवाई यात्रा पर जा रहे थे। वह एरिया बरमुडा ट्रायंगल का ही था, बट उस समय वह अनजान था। बाद में अचानक से उनका प्लेन कहीं अनजान जगह में खो गया। उनका रेडियो सिग्नल काम करने नहीं लगा, ना ही उनका किसी प्रकार का कोई संपर्क कंट्रोल रूम से हो पा रहा था। फिर जब उन्होंने अपना कंपास चेक किया तो बड़े ही विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहा था। फिर उसके बाद वो कोई विचित्र ढंग से गायब हो गया। फिर कुछ रेस्क्यू ऑफिसर्स जो कि उस यान का खोज करने निकले, वह रेस्क्यू मिशन पूरे 10 दिन तक चला। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, प्लेन का एक भी पार्ट किसी को हासिल नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये तो थी पहली घटना। अब मैं आपको और एक घटना का विश्लेषण करने जा रहा हूं। इसके बाद ही वैज्ञानिक इसके पीछे का विज्ञान जानने के लिए उत्सुक हुए। तो नेवी का एक टुकड़ा जो कि उस समय ट्रेनिंग में था, उनका मिशन था कि उनको कुछ जगहों से घूम के वापस जाना था। तो फ्रेंड्स, अब उन्हें क्या पता था ये फ्लाइट उनको बड़ी ही मुश्किल में डाल देगा। तो उसमें से एक विमान अपनी समूह से बिछड़ गया, इसका नाम था फ्लाइट 19। अब फ्रेंड, जिस जगह ये फ्लाइट भटका वो बरमुडा ट्रायंगल का ही एरिया था। तो अब होना क्या था, ना तो उनका रेडियो सिग्नल काम कर रहा था और ना ही उनका कंपास, और कोई एक अनजान ताकत उस विमान को समुद्र की तरफ खींचने लगा। और फिर और अन्य विमानों की तरह वो विमान भी कहीं विलुप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, अब चलिए इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने इस एरिया का सैटेलाइट इमेज देखा तो उन्हें कुछ अजीब प्रकार की हेक्सागोनल शेप्ड बादल दिख रहे थे। उस समय किसी को नहीं पता था कि आखिर ये क्लाउड है क्या। कुछ समय बाद जुपिटर को जानने के लिए एक सैटेलाइट छोड़ा गया। फिर उस ग्रह में एक अजीब चीज दिखी जिसे साइंटिस्ट की दिलचस्पी बरमुडा ट्रायंगल को लेकर बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, वह चीज़ वही हेक्सागोनल बादल थी। तो वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये पता लगाया कि हेक्सागोनल बादल के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जो कि बहुत हाई प्रेशर कंडक्ट करता है, सब चीज़ों को नीचे की ओर धकेल देता है। तो फ्रेंड्स, यही रीज़न था कि वहाँ के संपर्क में आने वाले सारे विमान और जहाज सब महासागर की ओर समा जा रहे थे। बट आप में से कुछ लोग अब सोच रहे होंगे कि आखिर कंपास में अजीब प्रकार की डिफ्लेक्शन क्यों आ रही थी। तो इसी को जानने के लिए वैज्ञानिक फ्लाइट 19 के लास्ट सीन पॉइंट पे गए जहाँ उसकी सिग्नल काम करना बंद कर दिया था।
उन्होंने उस जगह की मिट्टी का टेस्ट किया और पाया कि उस मिट्टी में चुंबकीय शक्तियां हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और हम जैसा कि जानते हैं हमारे धरती के नीचे एक विशाल चुंबकीय शक्ति है जो कि कंपास की सुइयों को उत्तर और दक्षिण की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ की भूमि में पहले से ही चुंबकीय शक्तियाँ थी। इसी कारण से कंपास की नीडल्स नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, और अगर आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी ऐसी फैक्ट्स की वीडियो मिस ना हो पाए।